तो अगर आपने हवाई जहाज से यात्रा की है तो आपने ये जरूर ही नोटिस किया होगा कि हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी और बिजनेस क्लास होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इन तीनों में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों बात करें इकोनॉमी क्लास के बारे में, ये इसमें अधिकतर मध्यम वर्ग या फिर मिडिल क्लास वाले लोग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका किराया सबसे कम होता है। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत ही कम सुविधा देखने को मिलती है, एक छोटा सा सीट होता है और साथ में कुछ आपको मैगजीन्स और कुछ खाने पीने का सामान मिलता है, बाकी इसमें कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। इसका किराया काफ़ी कम होता है, इसलिए अधिकांश मध्यम वर्ग और मिडिल फैमिलीज में जाते हैं। दोस्तों वही बात करें बिजनेस क्लास के बारे में, इसे हम लोग एग्जीक्यूटिव क्लास भी कहते हैं, क्योंकि इसका किराया जो होता है इकोनॉमिक क्लास से अधिक होता है। इसमें आपको जो भी आपको भोजन दिया जाता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, साथ ही साथ जो सीट होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है और काफ़ी आरामदायक होता है, साथ ही साथ इसमें आपको लेटने की सुविधा भी मिल जाती है। दोस्तों वहीं बात करें फर्स्ट क्लास के बारे में, तो इसका किराया फर्स्ट क्लास का किराया इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास से 3 से 4 गुना महंगा होता है। दोस्तों बात करें इसमें आपको बहुत अच्छी तरह की सुविधा देखने को मिलती है, इसमें आपको अलग आपका पर्सनल वॉशरूम देखने को मिलता है, वाईफाई, आपका मनपसंद भोजन, आपका अनुभवी सेफ और भी बहुत सी चीज़ देखने को मिलती है। इसलिए अधिकांश सेलिब्रिटी और बड़े उद्योगपति इसमें यात्रा करते हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों क्या इससे पहले इस फ्लाइट के बारे में मालूम था? कमेंट करके जरूर बताएं।